हेलो एवरीवन, तव भारती परिवार में आप सभी का स्वागत है। बीएड सेकंड ईयर के पेपर 12th में आप पढ़ेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विषय को विद्यालय व महाविद्यालय हर स्तर पर इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि पर्यावरण पर संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है। अतः जन जन तक जागरूकता पहुँचाने के लिए पर्यावरण से संबंधित शिक्षा देना आवश्यक है। बीएड सेकंड ईयर में पर्यावरणीय शिक्षा के इस पेपर में कुल आपके 5 यूनिट हैं। इस वीडियो में हम यूनिट 1 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के टॉपिक, पर्यावरण का अर्थ, पर प्रकृति संरचना व महत्व के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले जानते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण, अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण के लिए एनवायरनमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एनवायर प्लस मेंट। एनवायर का अर्थ होता है एनसर्कल यानी घेरना या आवर्त, और मेंट का अर्थ होता है चारों ओर, ऑल अराउंड। इस प्रकार एनवायरनमेंट का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर से घेरना। हिंदी में पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। इस प्रकार जिन भी चीज़ों से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं या जिन भी चीज़ों को हम अपने चारों तरफ देखते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, पहाड़, तालाब, मैदान, मिट्टी, वन इत्यादि, यह सभी हमारे पर्यावरण का प्रमुख अंग होते हैं, हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समिष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। इस प्रकार पर्यावरण से हम स्वयं भी प्रभावित होते हैं और हमसे भी पर्यावरण प्रभावित होता है। पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं हैं जो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है। J.S. रॉस के अनुसार पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार पर्यावरण वह शब्द है जो समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है जो जीवधारी के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा अभिवृद्धि व विकास और प्रौढ़ता पर प्रभाव डालता है। इसी प्रकार हर्स कॉकवर्ट्स के अनुसार पर्यावरण इन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालता है। यानी हर्स कॉकवर्ट्स के अनुसार ये हुआ कि प्राणी भी अपने चारों तरफ के वातावरण से, अपने जीवन और विकास से प्रभावित होता है। डॉक्टर डेविस के अनुसार मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिससे वह निरंतर प्रभावित होता रहता है। सीसी पार्क के अनुसार मनुष्य एक विशेष समय पर जिस संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे उसका पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। पर्यावरण की प्रकृति, पर्यावरण की प्रकृति क्या है? जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। जैविक का क्या अर्थ हुआ? जैविक का अर्थ जिनमें की जीवन है, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु। अजैविक जल, वायु, मृदा इत्यादि आपके अजैविक तत्व हैं। इनके कुल योग को पर्यावरण कहते हैं। जैव विविधता, जैव विविधता का अर्थ है भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों का पाया जाना। जैव विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ इनमें परिवर्तन होता रहता है। यानी हर जगह की, अलग अलग जगह की जैव विविधता या अलग अलग जगह का प्राकृतिक वास अलग अलग प्रकार का होता है। पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के कार्यात्मक संबंध पर आधारित होता है। यानी पर्यावरण, जो भी पर्यावरण के अंदर चीजें घटित होती है वो किस तरीके से, किस प्रकार से कार्य करती हैं, वो जैविक और अजैविक यानी जीवित और जो निर्जीव पदार्थ है जिनसे कि हम प्रभावित होते हैं, चाहे हमारे जल है, वायु है, मृदा है,
ताप है, किसी भी प्रकार से हम प्रभावित होते हैं, इन दोनों का जो मिला जुला फंक्शन होता है, कार्य होता है, उस पर आधारित होता है। पर्यावरण की कार्यात्मकता ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में या पृथ्वी पर जो सूर्य है वो असीमित ऊर्जा का एकमात्र साधन है, तो वह ऊर्जा के संचार से पर्यावरण के विभिन्न कार्य संपन्न किए जाते हैं। उस ऊर्जा पर पर्यावरण के विभिन्न कार्य निर्भर करते हैं। पर्यावरण पर अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है जो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है, यानी कि विभिन्न तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण का बहुत अधिक महत्व है। पर्यावरण एक बंद तंत्र है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र स्वतः नियंत्रित क्रियाविधि, जिसे कि होम्योस्टेटिक क्रियाविधि कहते हैं, के द्वारा नियंत्रित होता है। अब आती है पर्यावरण की संरचना। पर्यावरण की संरचना में चार भाग हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, जिसमें भी वायुमंडल के हमें पता है पांच परतें हैं। वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। सबसे पहले बात करते हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल यह पृथ्वी का वह भाग है जिस पर कि हम निवास करते हैं, यानी जीव जंतु पेड़ पौधे जिस पर निवास करते हैं वो क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। इसके अंदर अनेक प्राकृतिक संसाधन भरे हुए हैं, मिट्टी, चट्टाने, पिघले पदार्थ से निर्मित ठोस पिंड के रूप में ये बना हुआ है। यह पूरी पृथ्वी का 3/10 भाग बनाता है, क्योंकि ये हम सभी को पता है कि शेष 7/10 भाग जल से या जल क्षेत्र से घिरा हुआ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समस्त भारी भूपटल, जिसमें कि सागर और महासागर की सतह भी सम्मिलित है, सागर और महासागर खुद सम्मिलित नहीं है लेकिन उनकी सतह भी सम्मिलित है, वह स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। स्थलमंडल की सबसे ऊपरी सतह पर बनावट और भौगोलिक स्थिति के अनुसार विभिन्न स्थानों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे पहाड़, मरुस्थल, मैदान इत्यादि। जलमंडल, जलमंडल पृथ्वी का वह भाग है जो चारों ओर पानी और बर्फ के रूप में लिपटा हुआ है। यह पूरी पृथ्वी का 7/10 भाग बनाता है। पृथ्वी पर स्थित जल अनेक रूपों में पाया जाता है, जैसे कि महासागर है, झीलें, बांध, नदियां, ग्लेशियर्स इत्यादि। जीव जल को अपने विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी उपापचयी क्रियाओं के लिए काम में लेते हैं, और इसी के साथ हमारी कोशिका में पाया जाने वाला जो जीव द्रव्य है उसका भी एक महत्वपूर्ण घटक जल ही होता है। जल मंडल पर अधिकांश लवणीय जल है जो कि महासागरों व सागरों में स्थित है और मानव के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं होता है। अलवणीय जल या फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर नदियों या भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, और पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का सिर्फ 1% भाग ही ऐसा है जो काम में आता है, मनुष्य के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है वायुमंडल। जीवन के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटक है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जाती है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिनमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि एक महत्वपूर्ण गैसें हैं। वायुमंडल वायु का एक ऐसा आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है और उसे सुरक्षा भी प्रदान करता है। वायुमंडल में गैसों के विभिन्न मिश्रण की बात करें तो नाइट्रोजन है 78.8%, ऑक्सीजन है 20.95%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%, और अदर गैसेस में आती हैं नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन इत्यादि। परतें वायुमंडल में कुछ कुल 5 परतें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली परत जो है क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होती है। यह लगभग 80% यहाँ पर जलवाष्प होती है। वह मौसम संबंधी विभिन्न घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान इत्यादि इसी परत पर घटते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पाया जाता है और ये सबसे ज्यादा घनत्व वाली परत है।
नेक्स्ट है समताप मंडल। समताप मंडल यहाँ पर तापमान समान रहता है, इस परत पर हवाई जहाज चलते हैं और 10 किलोमीटर बाद ओजोन परत यहाँ पर पाई जाती है या इसकी सतह से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन परत होती है जो पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच भी है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें है, ये त्वचा कैंसर का एक मुख्य कारण बनती है। नेक्स्ट है मध्य मंडल। यह समताप मंडल से ऊपर की परत होती है, यहाँ पर सूर्य की किरणों से उत्पन्न ऊर्जा और ओजोन परत में वास्तविक द्वंद होता रहता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्रमशः गिरता चला जाता है। यह मध्य मंडल उल्का पिंडों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। इसके बाद है फोर्थ आयन मंडल। आयन मंडल यह अंतरिक्षीय विकिरणों से जीव मंडल की रक्षा करता है तथा रेडियो तरंगों के अवशोषण और परावर्तन को प्रभावित करता है। और सबसे ऊपरी और लास्ट परत आती है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। इस मंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है और इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम आदि गैसों की प्रधानता पाई जाती है। जैव मंडल। जैव मंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जहाँ पर जीवन संभव है, यानी जहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु सभी रहते हैं, निवास करते हैं और जिनके लिए जीवन संभव है वह जैव मंडल कहलाता है। इसके अंतर्गत जल मंडल जहाँ जीव जीवित पाए जाते हैं और वायुमंडल और स्थल मंडल को भी इसमें शामिल किया गया है। ये हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि जैव मंडल में वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों को सम्मिलित किया गया है या तीनों से ही मिलकर एक जैव मंडल का निर्माण हुआ है। जैव मंडल में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जीवन को संभव बनाती है। हमें सभी को पता है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसी पर फिर आगे पूरा शाकाहारी मांसाहारी इत्यादि निर्भर करते हैं। तो यह ऊर्जा का जैव मंडल में सूर्य ऊर्जा का एकमात्र साधन है जो कि जीवों के पोषक आपूर्ति करता है। जैव मंडल में जीवों का वितरण समान नहीं होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ ही जीव पाए जाते हैं जबकि विषुवतीय वर्षा वनों में अत्यधिक जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। इसको आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल में हम देखेंगे कि जो वायुमंडल है उसकी ये पांच परतें यहाँ दिखाई गई हैं। पांच परतों में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयल मंडल और बहिर्मंडल है। फिर ये जल मंडल के बारे में, संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग, 3/4 यानी 74%। फिर जैव मंडल जहाँ वायु, जल और स्थल मंडलों का संधि स्थल है ये, और स्थल मंडल जो पृथ्वी के कुल भाग का 29% भाग बनाता है, जहाँ पर कि हमें पता है पूरे 7 महाद्वीप पाए जाते हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण के अंतर्गत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त यानी प्रकृति ने जो हमें स्वतः ही पर्यावरण दिया है वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है, भौतिक पर्यावरण और प्राणी शास्त्रीय पर्यावरण यानी जूलॉजिकल एनवायरनमेंट। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं मिट्टी, जलवायु, जल राशियां, खनिज पदार्थ इत्यादि, जबकि आपके जूलॉजिकल यानी प्राणी शास्त्रीय वातावरण या एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव जंतु। दूसरा पर्यावरण है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण को तीन भागों में बांटा है, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और परासामाजिक पर्यावरण या वातावरण। सामाजिक वातावरण क्या है? मनुष्य शुरू से ही पता है कि सभी जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य तथा प्रकृति के मध्य होने वाली क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप मानव और मानव के बीच जो अंतर संबंध स्थापित होता है वह उसके सामाजिक वातावरण का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत विभिन्न भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या का आकार, प्रवास, तकनीकी प्रगति इत्यादि को शामिल किया गया है। सांस्कृतिक वातावरण की बात करें तो सांस्कृतिक वातावरण भी एक मानव निर्मित वातावरण है जिसमें मानव परस्पर सामाजिक सहयोग व कोऑपरेशन यानी सहकारिता के द्वारा
अपना एक कृत्रिम वातावरण बनाते हैं और वह सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत मानव की विभिन्न जातियां, प्रजातियां, खान पान, विभिन्न धर्म इत्यादियों को शामिल, भाषाओं को शामिल किया गया है। लास्ट है परासामाजिक वातावरण। परासामाजिक वातावरण भी सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण को जोड़ने वाली एक कड़ी है, जिसके अंतर्गत मानव आध्यात्मिक क्रियाओं को या आध्यात्मिक मार्ग को ग्रहण करता है। पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, या यूं कहा जाए कि पर्यावरण के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो पहला है जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। पता है कि प्रत्येक जीव अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्यावरण पर संपूर्ण रूप से निर्भर रहता है। दूसरा है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए। प्राकृतिक संतुलन तभी बना रहेगा जब पर्यावरण संतुलित रहेगा, और पर्यावरण में प्राकृतिक संतुलन का मतलब है कि सभी चीज़ों का एक बैलेंस रूप में उपस्थित होना, चाहे वह जैविक कारक हो या अजैविक कारक हो। नेक्स्ट है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए। पारिस्थितिकी संतुलन मतलब ये पारिस्थितिकी तंत्र जब जैविक और अजैविक घटक आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया कर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वह होती है हमारी पारिस्थितिकी कहलाती है। तो उसमें भी संतुलन बना रहना चाहिए, और उसको बनाए रखने के लिए पर्यावरण एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग हेतु पर्यावरण से हमें बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। इन संसाधनों का उपयोग भी हम तभी कर पाएंगे जब हमें पर्यावरण के महत्व का पता होगा, या पर्यावरण को हम पर्यावरण को बचाए रखने में सहायता करेंगे। मानव के विकास के लिए, मानव का कैसा भी विकास हो, आर्थिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, हर प्रकार के लिए और समाज की प्रगति के लिए पर्यावरण महत्वपूर्ण है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए। जैव विविधता मतलब पृथ्वी पर विभिन्न जीवों प्रकार के जीव जातियों का पाया जाना, इसको बनाए रखने के लिए भी पर्यावरण महत्वपूर्ण योगदान देता है। अंत में हम कह सकते हैं कि अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे या प्रकृति का अगर हम किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेंगे, हरण नहीं करेंगे, तो हम पर्यावरण को बचाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।